हे hey दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका ग्रेट लर्निंग के यूट्यूब लाइव सेशन पे। तो आज जो ये लाइव सेशन है, ये पूरा एक घंटा जो है ये पूरा हिंदी में रहेगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज बेसिकली हम लोग SDLC के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। मतलब हम लोग ये समझने वाले हैं कि आखिर ये SDLC होता क्या है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। ठीक है, तो कोई भी बिगिनर या फ्रेशर जो ये लाइव सेशन देख रहा है, अगर आप फ्रेशर हो या बिगिनर हो, तो ये पर्टिकुलर सेशन आपको पूरा पूरा ये बताएगा कि आखिरकार जब आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो तो आपको कौन कौन से प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है। ओके, तो शुरू करते हैं इस लाइव सेशन को। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे एक ऑडियो या स्क्रीन के लिए यस कमेंट कर दें कि मेरा स्क्रीन या ऑडियो सही से सब कुछ आ रहा है या नहीं, ताकि इससे मुझे पता चल जाएगा कि सब कुछ ठीक है। ओके, सो गाइज प्लीज कमेंट करिए ताकि मुझे इन्फॉर्म हो जाए कि सब कुछ सही है। तब तक मैं आपको ले चलता हूँ ग्रेट लर्निंग अकेडमी की तरफ। अगर आप ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए हुए और हमारे वीडियोस देखते हैं, तो आपको पता होगा कि ग्रेट लर्निंग अकेडमी क्या है। तो बेसिकली ग्रेट लर्निंग अकेडमी एक फ्री इनिशिएटिव है ग्रेट लर्निंग का। ये बहुत सारे एम्पल अमाउंट ऑफ कोर्सेज को फ्री में डिलीवर करता है। मतलब कि आप यहाँ पर अगर स्क्रॉल करोगे तो आप देख सकते हो डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IT एंड सॉफ्टवेयर, ये सारे टॉपिक्स पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। अब आपको बस एनरोल करना है, आपको पढ़ना है, नॉलेज गेन करना है, उसके बाद आपको फ्री सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। IT एंड सॉफ्टवेयर में आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे डोमेन्स पे कोर्सेज अवेलेबल है ऑलरेडी, तो आप जाइए इनको चेकआउट कीजिए। अगर कुछ कैंडिडेट्स चाहते हैं कि मुझे हिंदी में ही चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कोर्सेज इन हिंदी करके भी एक कॉलम बना हुआ है, जिसके अंदर हमारे जितने भी हिंदी के कोर्सेज हैं वो सारे भी यहाँ पे हैं। ठीक है, ओके। अगर आपको यहाँ पे और भी कुछ देखना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो डेटा साइंस, अगर आप क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे जो भी डेटा साइंस है आपको जॉब रोल मिल सकता है, उसके लिए पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो आप अगर किसको क्लिक करोगे तो आपको वो पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि डेटा एनालिस्ट को क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन से PG कोर्सेज आपको प्रोवाइड करेंगे हम लोग, या कौन से वो फ्री कोर्सेज है जो आप यहाँ से पढ़ सकते हो डेटा एनालिस्ट बनने के लिए। ठीक है, तो आप प्लीज इसको चेकआउट कीजिए। एक और इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नीचे दिख जाएगा, जो कि हमारा अपकमिंग लाइव सेशन, जो भी हमारे अपकमिंग लाइव क्लियर करूंगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट एजेंडा है। सो एजेंडा में हम लोग ये देखेंगे कि आखिरकार बेसिकली हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में क्या क्या चीज सीखने वाले हैं। तो हम लोग सीखने वाले हैं व्हाट इज SDLC, मतलब कि SDLC होता क्या है, क्या इसका यूज है, इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। व्हाई इज इट रिक्वायर्ड, में हम लोग ये देखने वाले हैं कि आखिरकार SDLC क्यों चाहिए, व्हाई इज इट नीडेड। अगर आप एक बिगिनर हो, फ्रेशर हो या डेवलपर हो किसी कंपनी पे, तो आपको SDLC क्यों जानना जरूरी है, वो हम लोग इस टॉपिक में देखने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग SDLC का पूरा प्रोसेस समझेंगे, मतलब हम लोग ये देखेंगे कि आखिरकार ये जो SDLC है इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ओवरऑल इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और एक बिगिनर को क्या क्या जानना चाहिए। जो भी यहाँ पे प्रोसेस है SDLC के अंदर, उसका एक डिटेल एनालिसिस करेंगे, मतलब कि उसको डिटेल में समझेंगे कि अंदर अगर आप जाते हो किसी MNC कंपनी में एज अ डेवलपर, तो आप क्या क्या करते हैं। ठीक है, उससे आपको एक पूरा आइडिया मिल जाएगा कि बेसिकली अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो किसी कंपनी के लिए, या आप कोई कंपनी में हो और एक प्रोजेक्ट आया है, तो आपको क्या क्या स्टेप्स का मालूम होना चाहिए। ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करेंगे। उसके बाद सेवरल मॉडल्स हैं जो SDLC फॉलो करता है, उन मॉडल्स पे भी हम लोग थोड़ा सा जोर डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज SDLC से, और देखते हैं कि क्या है ये SDLC। ठीक है, ओके, सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC का फुल फॉर्म है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मतलब जो भी आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करोगे वो, और लाइफ साइकिल क्या है, ये एक लाइफ साइकिल है। अब इस लाइफ साइकिल के अंदर कौन कौन से कॉम्पोनेंट है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। So it is a process used by the software industries to design, develop and test high quality softwares. मतलब कि ये आपके कोई भी सॉफ्टवेयर जो भी आपके कंपनी के पास आ रहा है, उस सॉफ्टवेयर को बनाना, उसको डेवलप करना और उसका
टेस्टिंग करना, मतलब कि आपका सॉफ्टवेयर बढ़िया है या नहीं, वो देखने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं, ठीक है। SDLC aims to produce a high quality software that meets or exceeds customer expectation, reaches completion within times and post estimates. इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ, अब बहुत आसानी से ये एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल में आप सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके। सो दो चीजें होती हैं, एक होता है क्लाइंट और एक होता है सर्विस, ठीक है। अब ये क्लाइंट एक कंपनी है, ठीक है। मान लीजिए कि ये क्लाइंट जो कंपनी है उसका नाम है ए, और ये सर्विस कंपनी है जो है बी। अब इस क्लाइंट का एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट है, एक प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है। तो इस कंपनी को एक प्रोजेक्ट चाहिए, ठीक है, जो वो लोग नहीं बना सकता, ठीक है। अब वो लोग क्या चाहता है, वो लोग बी कंपनी को कॉल करता है जो उसको सर्विस प्रोवाइड करेगा, मतलब कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में बी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा और क्लाइंट ए जो ये ए कंपनी है जो क्लाइंट है वो उसको काम के बदले पैसा देगा, ठीक है, काम के बदले पैसा देगा। नाउ ये जो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है ये कितना बड़ा है, इसका क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब चीज क्लाइंट इंफॉर्मेशन दे देगा सर्विस मतलब बी कंपनी को। अब बी कंपनी के ऊपर है कि वो कंपनी कैसा और कितना अच्छा प्रोजेक्ट बना के क्लाइंट को वापस देता है, ठीक है। ये कुछ प्रोसीजर होता है जो चलता है, ठीक है। ये हर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में होता है, हर आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी में होता है। तो क्लाइंट ए और ये हो गया आपका सर्विस कंपनी जो कि है बी। अब आप इस एग्जांपल को ध्यान में रखिए, इतना समझ में आ गया होगा कि एक कंपनी है जिसको कुछ रिक्वायरमेंट है, वो दूसरे कंपनी का हेल्प लेके अपना रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, उसके बदले में बी कंपनी को कुछ अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ओके। अब एसडीएलसी समझ में आ गया कि एसडीएलसी आखिर में होता क्या है, ये एक लाइफ साइकिल है जो हम लोग अभी देखने वाले हैं। अब इसका नीड क्यों है, अब अगर हम लोग क्लाइंट और जो सर्विस जो मैंने बताया, ये क्लाइंट और सर्विस अगर ये बातें हो रही हैं, तो इसमें एसडीएलसी का क्या काम, सर्विस अपना सर्विस जो बी कंपनी है वो अपना प्रोजेक्ट बनाएगा, ठीक है, वो अपना प्रोजेक्ट बना रहा है कंप्लीट करके ए को दे देगा, तो इसमें एसडीएलसी कहां पे आएगा, एसडीएलसी का क्या काम है वो देखते हैं। एसडीएलसी गिव्स अ डिफाइंड व्यू ऑफ द एंटायर सिस्टम रिसोर्सेस टाइमलाइन एंड गोल्स, मतलब कि एसडीएलसी एक पूरा डिटेल्ड व्यू दे देता है कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसको कैसे और किस तरीके से आपको एग्जीक्यूट करना है। एक मैनर होता है, उस मैनर उस लाइफ साइकिल को चूज करके आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है, डेवलप करना है। डिजाइन रिव्यूज हेल्प टू इंश्योर द रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, ये जो डिजाइन रिव्यू आप दोगे अपने प्रोजेक्ट का, जो भी ये प्रोजेक्ट क्लाइंट ने भेजा है इसका आप डिजाइन करोगे, प्लानिंग करोगे, ये कोई गेम थोड़ी है कि बस बन गया, राइट, इसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, डिजाइनिंग होगा, प्लानिंग होगा, डेवलपिंग होगा, टेस्टिंग होगा, बहुत कुछ होगा इसमें, राइट। तो ये सब चीजें जो आप ये सब चीजें जो करोगे ये हेल्प करता है इंश्योर करने में रिलायबिलिटी और क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, मतलब कि आपका फाइनल प्रोडक्ट कैसा निकलेगा, ठीक है। तो इसके लिए एसडीएलसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनहेंस्ड कंट्रोल ओवर लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, मतलब मान लीजिए कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो एसडीएलसी अगर आप फॉलो करोगे तो ये प्रोजेक्ट आपका इजिली कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप एसडीएलसी नहीं फॉलो करोगे तो जितना टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट लेगा उससे क्लाइंट खुश नहीं होगा, मतलब कि आपका प्रोजेक्ट जो 3 मंथ में खत्म हो जाना चाहिए अगर आप उसको एसडीएलसी के विदाउट करोगे तो वो 1 ईयर ले लेगा, मतलब कि 1 साल ले लेगा आपको एक प्रोजेक्ट बनाने में, जिसके कारण क्लाइंट जो है जो एक कंपनी है वो बुरा मान जाएगा और आपको अमाउंट शायद ना भी दे, राइट। तो वो चीजें ना होने के लिए हम लोग एसडीएलसी का यूज करते हैं ताकि प्रोजेक्ट ज्यादा जल्दी खत्म हो और बहुत इफेक्टिव तरीके से खत्म हो। इन्वॉल्व्स कॉम्प्रेहेंसिव एंड एक्सप्लिसिट स्टेप्स, मतलब कि एक एरर होने का भी गुंजाइश नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपका प्रोजेक्ट इतना ज्यादा अच्छा होना चाहिए कि क्लाइंट जो है जो एक क्लाइंट है एक कंपनी है
उसको कोई भी एरर आपके प्रोजेक्ट में नहीं दिखना चाहिए। अगर ए कंपनी आपके सर्विस से खुश होगा तो वो ए कंपनी अपने और जो नेवर कंपनीज हैं उसको बताएगा आपके बारे में, तो आपका जो बी कंपनी है, जो सर्विस है, जो सर्विस दे रहा है, उसको और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उसको और ज्यादा अमाउंट मिलेगा, उसको और ज्यादा रेवेन्यू होगा। इसीलिए एसडीएलसी को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड गोल्स एंड डिलीवरेबल्स दैट मीट द स्टैंडर्ड्स ऑफ ईच पार्टी, मतलब कि क्लाइंट और सर्विस दोनों खुश होना चाहिए अपने प्रोजेक्ट से। क्लाइंट को अपना रिक्वायरमेंट मिल जाना चाहिए और सर्विस जो कंपनी है, जो बी कंपनी है, वो भी अपने काम से बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए। ये सब तभी होगा जब आप एसडीएलसी को फॉलो करोगे। इट रिक्वायर्स कीपिंग डिटेल डॉक्यूमेंटेशन थ्रू आउट द एंटायर प्रोसेस। एसडीएलसी जब आप फॉलो करते हो तो आपका सब कुछ डिटेल्ड होना चाहिए, मतलब कि एक डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट में क्यों होना चाहिए, अब मैं आपको एक सिनेरियो देता हूं। मान लो कि आपने वो प्रोजेक्ट बना के क्लाइंट ए कंपनी को दे दिया। अब क्लाइंट ए कंपनी कुछ एरर लेके आ रहा है आपके पास कि हे सर्विस बी कंपनी, आपने मुझे जो सर्विस दिया है इसमें ये एरर्स आ रहा है, तो इसका क्या रिजल्ट है, ये क्यों आ रहा है, आप मुझे इसका इंफॉर्मेशन दीजिए। अब अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं किया है उस एरर को, तो आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि ये एरर हमने सॉल्व किया था लेकिन ये एरर सॉल्व नहीं हो पाया है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, राइट? तो हर चीज जो आप कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट में, आपको उसका डॉक्यूमेंट बना के रखना पड़ेगा, ताकि आप क्लाइंट को एक रिटन प्रूफ दे पाओ कि आपने अपने सॉफ्टवेयर जो आपने डेवलप किया है, जो प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है, उसका ये रिपोर्ट है, इस ये एरर्स आया था, ऐसे हमने ठीक किया है और डेवलपर्स ने यहाँ यहाँ पे कोड डाले हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट है इजी इवोल्यूशन ऑफ कॉस्ट एंड ग्रोथ ऑफ द डेवलप्ड सिस्टम, मतलब कि आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी प्रोजेक्ट है, उसके हिसाब से आपका अमाउंट होगा, मतलब कि आपने कितना काम किया है उस प्रोजेक्ट पे, उसके हिसाब से आपका कॉस्ट इवेल्युएट किया जाएगा, और ये दोनों कंपनी के ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसीलिए एसडीएलसी का नीड है किसी भी आईटी सॉफ्टवेयर या कंपनी को, ठीक है? अब देखते हैं कि एसडीएलसी प्रोसेस आखिर होता क्या है। इतना जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं एसडीएलसी के बारे में, आखिरकार इसमें क्या है जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। मैं चैट पढ़ने का कोशिश कर रहा हूँ। लेट सी कि चैट में आपने क्या क्या कमेंट्स डाले हैं। गाइज, अगर आपके पास एक भी क्वेश्चन है या एनीथिंग यू हैव, कोई भी डाउट है, तो प्लीज चैट में उसको लिखिए, सो दैट मैं आपका डाउट क्लियर कर पाऊं। ओके, सो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा एसडीएलसी प्रोसेस, और ये देखते हैं कि एसडीएलसी प्रोसेस में क्या क्या है। अब आप यहां पे देखिए, एसडीएलसी प्रोसेस को समझना बहुत ही ज्यादा इजी है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक रोड बना हुआ है, ठीक है? अब ये जो रोड यहाँ पे बना हुआ है, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या क्या चाहिए, ये रोड बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें सबसे पहले रॉ मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट है, मतलब कि हमें जो भी यहाँ पे चारकोल या जो भी चीजें लगेंगी, बेरियर्स या ये पेंट, व्हाइट पेंट, है ना, ये सारी चीजें हमें चाहिए, तो वो होता है रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट। उसके बाद होगा प्लानिंग। प्लानिंग मतलब कि ये जो रोड है ये कितना लंबा है, कहाँ तक हमें प्लान करना है, कहाँ तक हमें ये पूरा रोड चाहिए, कहाँ तक ये बनाना है, या फिर कितना अमाउंट ऑफ चारकोल चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ पेंट कलर चाहिए, वो सब हमारा होता है प्लानिंग। डिजाइनिंग में हम लोग ये सोचते हैं कि आखिर ये 2 लेन है या 3 लेन है या 4 लेन है, कैसे डिजाइन करना है हमारे रोड को, कितना लेन्स का बनाना है, कहाँ पे ब्रेकेज देना है, बैरियर कहाँ पे लगाना है, वो सब हमारा हो गया डिजाइनिंग। अब ये तीनों चीजें करने के बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन चालू करते हैं। बोलने का मतलब ये है कि आप ये तीनों स्टेप्स को मिस नहीं कर सकते, आप सीधे कंस्ट्रक्शन पे नहीं जा सकते, राइट? अगर आप सीधे कंस्ट्रक्शन पे जाओगे तो आपके पास ना सामान है, आपके पास ना ही कोई प्लानिंग है, ना ही कोई डिजाइनिंग है, तो फिर आप कंस्ट्रक्ट कैसे करोगे, राइट? तो ये जो कुछ चीजें हैं ये आपका रोड बनाने में मदद करता है। अब जब कंस्ट्रक्ट हो जाएगा रोड, उसके बाद हमें टेस्टिंग करना है उस रोड का, मतलब कि हमें ये देखना है कि वो जो रोड है
वो सही से बना है या नहीं। कहीं अगर बारिश हुआ और वो रोड पे गड्ढे हो गए तो वो रोड अच्छा नहीं बना है, राइट। तो ये टेस्टिंग चलेगा, ये टेस्टिंग चेक करेगा कि आपने जो रोड बनाया है वो सही है या नहीं। उसके बाद ये टेस्टिंग के बाद ये रोड पब्लिक हो जाएगा, मतलब कि अब लोग उस रोड को यूज कर सकते हैं। बट जब लोग उस रोड को यूज करेंगे तो कुछ साल बाद रोड में कुछ ना कुछ खराबी आने लग जाएगी, राइट। तो उसके लिए हमें करना होता है मेंटेनेंस, मतलब कि हमें हर एक साल या दो साल में रोड को जांचना पड़ता है कि उसका जो मेंटेनेंस है वो ठीक है या नहीं, रोड ठीक है या नहीं, राइट। नहीं तो एक्सीडेंट्स हो सकती हैं, करेक्ट। अब ये सब जो चीजें हैं, ये एक रोड बनाने के लिए आप देख सकते हो कितना प्लानिंग और प्लॉटिंग करना पड़ता है। तो आप इमेजिन करो कि आप अगर एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो आपको कितना प्लानिंग प्लॉटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो एक पूरा वर्ल्ड यूज करेगा, राइट। आप कोई भी सॉफ्टवेयर ले लो, जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसपे मैं अभी वर्क कर रहा हूँ, या फिर डॉक्यूमेंट फाइल एमएस वर्ड या एमएस पावर पॉइंट, ये सब कुछ एक सॉफ्टवेयर है। कितने बिलियन लोग इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, राइट। और अगर इन सॉफ्टवेयर में कुछ भी खराबी हुआ तो आप जान सकते हो कि क्या क्या हो सकता है, राइट। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है तो भी हमें ये सारी चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए? रॉ मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट, मतलब कि कौन से कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बी कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, किसको, ए को। तो बी को ये जानना जरूरी है कि कौन कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। आपको क्या क्या लग सकता है? कीबोर्ड लग सकता है, माउस लग सकता है, वाईफाई कनेक्शन लग सकता है, सिस्टम्स लग सकते हैं, मोबाइल लग सकता है, वायर्स लग सकते हैं, राइट। देन जो सॉफ्टवेयर है, जो लाइसेंस सॉफ्टवेयर है वो मुझे चाहिए। तो ये सारी रॉ मटेरियल का जो रिक्वायरमेंट है, इसका आप एक लिस्ट बनाओगे और वो लिस्ट आप दोगे क्लाइंट को, ताकि क्लाइंट वो पूरा लिस्ट जो है वो आपको प्रोवाइड कर पाए, ताकि आपके पास सारा सामान पहले से उपस्थित हो, ताकि आप उसको यूज कर पाए, ओके। तो ये जो है, ये रो मटेरियल रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके पास सारा सामान आ जाए। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग होता है कि आपको अपने प्रोजेक्ट को समझना है, आपको अपने प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करना है कि प्रोजेक्ट का आखिर रिक्वायरमेंट क्या है। प्रोजेक्ट में जो भी सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें क्या क्या चीज लिखा हुआ है। लॉगिन पेज चाहिए, लॉगआउट पेज चाहिए, अकाउंट पेज चाहिए, कार्ट पेज चाहिए, क्या क्या चाहिए, क्या क्या नीड है, इसका आपको बैठ के प्लानिंग करना होगा। किसके साथ? टीम के साथ, क्योंकि कोई एक आदमी पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकता, राइट। आपको एक पूरा टीम चाहिए होता है आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में, ताकि वो पूरा टीम अलग अलग चीजों पर काम करे, ताकि शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आपका पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप हो जाए, राइट। गाइस, मैं यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लूंगा और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं देख सकता हूँ कि बहुत ही कम लोगों ने यहाँ पे लाइव सेशन को आप देख रहे हो। तो अगर आपके फ्रेंड्स भी हैं जिनको ये इन्फॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट है, तो आप प्लीज उनको अभी पिंग कीजिए, उनको बोलिए ये लाइव सेशन ज्वाइन करने के लिए, ताकि उनको भी पता चले कि एसडीएलसी क्या होता है। क्योंकि जिस तरीके का एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ये बहुत ही ईजी एग्जाम्पल समझाया गया है, तो बहुत आसानी होगा आपके फ्रेंड्स को भी इस टॉपिक को समझने के लिए। क्योंकि ये श्योरिटी मैं दे रहा हूं कि अगर आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो आपको एसडीएलसी के बारे में कोई ना कोई पूछेगा ही, राइट। आपको इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कोई ना कोई कि एसडीएलसी क्या होता है, क्योंकि आप एक डेवलपर बनने वाले हो, आप एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने वाले हो, और अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो आपको कोई भी हायर नहीं कर पाएगा, राइट। तो आप प्लीज अपने दोस्त लोगों को पिंग कीजिए, उनको यहाँ पे लाइव सेशन पे ज्वाइन करने बोलिए as soon as possible, okay। Guys, एक doubt भी नहीं आया अभी तक, so please अगर आपके पास कोई doubt है तो please comment section पे लिखिए, ताकि मैं उसका answer दे पाऊँ। और अगर ये live session आपको अच्छा लग रहा है तो please इस particular live session को like कीजिए और हमारे channel को subscribe करना ना भूलें, okay। चलते हैं अब next पे। तो planning हो गया, मतलब team के साथ हमने ये बैठ के plan कर लिया कि project कैसे बनेगा। उसके बाद डिजाइनिंग करना है। डिजाइनिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रोसेस उसमें समझाऊंगा, तो अभी डिजाइनिंग को छोड़ते हैं।
कंस्ट्रक्शन मतलब कि अब आप बनाना चालू करोगे, अब आप सॉफ्टवेयर जो है उसको अब डेवलप करना चालू करोगे, राइट, उस पर वर्क करना चालू करोगे। फिर होगा टेस्टिंग, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसको आपको टेस्ट करना पड़ेगा। विदाउट टेस्ट किए अगर आप क्लाइंट को दे दोगे, और क्लाइंट को अगर वो यूज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, एरर्स आ रहा है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो ये तो आपका अच्छा प्रोजेक्ट नहीं बना, राइट, तो उससे बैड इंप्रेशन पड़ता है, राइट। तो हमें टेस्टिंग करके अपना प्रोजेक्ट को सबमिट करना है। तो हम लोग पहले टेस्ट करेंगे, खुद से हम लोग यूज करेंगे उस प्रोजेक्ट को और देखेंगे कि हमारे सॉफ्टवेयर ठीक से काम कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट हमारा आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस पे हम लोग, ओके, आई कैन सी वन कमेंट, वेरी गुड, थैंक यू सो मच अपुन भगवान। मैं आपका कमेंट का जरूर आंसर दूंगा, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके, नाउ मेंटेनेंस, लास्ट में मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस में क्या होता है, बेसिकली आपको अपना प्रोजेक्ट को मेंटेन भी करना है, मतलब कि एक दो साल बाद जब बहुत सारे यूजर्स आपके प्रोजेक्ट को यूज करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा लोड होने लग जाएगा, मतलब कि आपका सॉफ्टवेयर हैवी होने लग जाएगा, तो उसको मेंटेनेंस का जरूरत पड़ता है, राइट। जैसे कि अगर कोई भी आप बिल्डिंग देख लो, वो एक दो साल के बाद उसका पेंट उखड़ने लगता है, घर बहुत ही पुराना लगने लगता है, राइट। तो हम लोग मेंटेनेंस करते हैं, हम लोग पेंट करवाते हैं फिर से घर को, या फिर उसको नया बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। वही सेम चीज यहाँ पे होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है हमारा एक पूरा डायग्राम कि एसडीएलसी कैसा है। आप इसको दो मिनट के लिए देखिए, मैं चलता हूं कमेंट्स पे और कमेंट का आंसर देने की कोशिश करता हूं। ओके, परफेक्ट। सो व्हाट आर द टूल्स फॉर टेस्टिंग एंड डीबगिंग, अपुन भगवान? टेस्टिंग के टूल्स बहुत सारे हैं। बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि टेस्टिंग के लिए ऑलरेडी एक लाइव सेशन मैंने लिया हुआ और बहुत ही अच्छा था उसका रिएक्शन। तो आप प्लीज अगर आपको डिस्क्रिप्शन आप देखोगे लाइव सेशन का, तो उसमें वो टेस्टिंग का लाइव सेशन का लिंक है। तो अपुन भगवान और बाकी लोग जिनको टेस्टिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, अगर आपको टेस्टिंग के बारे में पढ़ना है तो आप प्लीज उस लिंक को क्लिक कीजिए, आपको वो लाइव सेशन पे ले जाएगा और आप टेस्टिंग के बारे में बहुत सारा ज्ञान ले सकते हैं। ओके, द क्वेश्चन विच यू हैव आस्क्ड, व्हाट आर द टूल्स फॉर टेस्टिंग। दो तरीके की टेस्टिंग्स होती हैं, एक होता है ऑटोमेशन टेस्टिंग और एक होता है मैनुअल टेस्टिंग। दोनों में डिफरेंट टूल्स यूज होती हैं। मैनुअल टेस्टिंग में हम लोग बेसिकली कोई स्मॉल टूल्स यूज करते हैं, क्योंकि वो हमें मैनुअली करना पड़ता है, हमें मैनुअली एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को चेक करना पड़ता है कि वो ठीक से काम कर रहा है नहीं, राइट। तो इसके लिए वैसा कुछ टूल्स नहीं होता, ये हमें मैनुअली चेक करना पड़ता है। ऑटोमेशन टूल्स में बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं, उसका नाम मैंने लाइव सेशन पे लिया हुआ है, तो आपको प्लीज वो लाइव सेशन पे जाइए अपुन भगवान, आप उस लाइव सेशन को देखिए, उसमें सीखिए कि कितने सारे मॉडल्स हैं और क्या टेस्टिंग मेथोडोलॉजी यूज होती है। गाइस प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से भेजिए ताकि मैं आपका डाउट को क्लियर कर पाऊं, और अपने दोस्तों को भी प्लीज बुलाइए इस लाइव सेशन में ताकि उनको भी पता चले कि ये क्या पढ़ाया जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एसडीएलसी का एक पूरा लाइफ साइकिल बना हुआ है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, उसके बाद डिजाइन है, फिर इम्प्लीमेंटेशन है, टेस्टिंग है, मेंटेनेंस है, मतलब इवोल्यूशन मेंटेनेंस। अब ये जो डायग्राम है इसको मैं यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं आपको प्रोसेस में बहुत अच्छे समझाऊं कि बेसिकली डीपली समझाऊं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या होता है। तो ये आपका डिटेल एनालिसिस यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब अगर आप बिगिनर या फ्रेशर हो तो आप बेसिकली क्या करोगे, आप एक इंटरव्यू दोगे और डेवलपर बन जाओगे, राइट। डेवलपर बनने के बाद आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा कुछ फर्स्ट 2 मंथ्स कि आपको बेसिकली करना क्या है कंपनी में, राइट, वही होता है। अब 2-3 महीने के बाद आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा, ठीक है, आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा, ये प्रोजेक्ट आपको मिलेगा किसी क्लाइंट से, ठीक है। क्लाइंट क्या करेगा, एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा आपको जिसमें प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल है कि आखिर क्लाइंट को कैसा प्रोजेक्ट चाहिए, ठीक है। ये प्रोजेक्ट दिया जाएगा टीम लीड को, आप ध्यान से सुनिए क्योंकि मैं अब पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में बता रहा हूं कि आखिरकार आपका कंपनी में जाने के बाद, कोई एमएनसी कंपनी या फिर स्टार्टअप कंपनी में जाने के बाद क्या क्या होता है, प्रोजेक्ट में आप कैसे काम करते हो, क्या क्या आपको कहाँ कहाँ पे चीजें करनी पड़ती हैं। सो ये क्लाइंट जो है, ये क्लाइंट एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा टीम लीड को जिसमें प्रोजेक्ट का डिटेल होगा, ठीक है। ये टीम लीड अब क्या करेगा, इस पूरे प्रोजेक्ट को
जो उसके पास डॉक्यूमेंट है उसको अपने टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है, और थोड़ा टाइम देगा कि आप लोग गो थ्रू करो कि ये प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले होगा आपका रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग, ठीक है। सबसे पहले होगा प्लानिंग। प्लानिंग क्या होगा, प्लानिंग ये होगा कि टीम लीड और टीम्स ये दोनों मिलके ये डिसाइड करेंगे कि आखिरकार इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आपको क्या क्या चीज का जरूरत है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप फोन में बोलोगे क्लाइंट को कि हाय सर मुझे लैपटॉप चाहिए इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, या मुझे कोई यू नो वायर्स चाहिए, वाईफाई चाहिए, आप ऐसे नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक बीआरडी डॉक्यूमेंट बनाते हैं। बीआरडी क्या होता है, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन। ये बीआरडी डॉक्यूमेंट कुछ दो या तीन पेजेस का होता है, और इन दो तीन पेजेस में आपको पूरा लिस्ट बनाना है कि आपको क्लाइंट से क्या क्या चीजें चाहिए जिससे आप ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस चाहिए, किसी सॉफ्टवेयर का लाइसेंस चाहिए, पेड वर्जन चाहिए किसी सॉफ्टवेयर का, वाईफाई कनेक्शन, चार्जर, लैपटॉप, जो भी चाहिए आपको आप यहाँ पे लिख के आप क्लाइंट को दोगे। उसके बाद क्लाइंट जो है वो दो तीन एक मंथ या फिर 15 डेज लेगा आपको वो पूरा चीज प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जब आपके पास वो डॉक्यूमेंट आ जाएगा, जब आपके पास पूरा जो आपका रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी, उसके बाद होगा डिजाइनिंग, ठीक है। अब ये डिजाइनिंग क्या होता है, तो बेसिकली डिजाइनिंग में आप लोग जो टीम हो वो सारी टीम बैठ के डिजाइन करती है कि बेसिकली आपका कहां से स्टार्ट करना है आपको और कहां पे एंड करना। अब यहां पे तीन चीजें आपको नोटिस करनी है। सबसे पहला है आपका एसआरएस का डॉक्यूमेंट। एसआरएस क्या होता है, एसआरएस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो हम लोग तैयार करते हैं अपनी टीम के लिए, ताकि टीम को पता चले कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्या क्या होने वाला है, मतलब कि कैसे हम लोग इस प्रोजेक्ट को फिनिश करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोग इस एसआरएस में तीन चीजें होती हैं, क्या होती हैं वो तीन चीजें आपको मालूम होगा, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप ये नोट डाउन कर लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला होता है एल्गोरिदम, फ्री होता है, फिर होता है फ्लो चार्ट, और तीसरा होता है स्यूडो कोड, ठीक है। अब ये तीन चीजें क्या है देखते हैं। अगर आपको एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट और स्यूडो कोड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप एक काम कीजिए, इस लाइव सेशन के डिस्क्रिप्शन पे मैंने एक लिंक अटैच किया हुआ है जिसके अंदर मेरा ही लाइव सेशन है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट और स्यूडो कोड डिटेल में क्या होता है। अगर आपको वो अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा तो आपको डिजाइनिंग समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट और स्यूडो कोड क्या होता है। एल्गोरिदम होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को लिखना, मतलब कि आप बेसिकली अपने प्रोजेक्ट को कैसे बनाओगे उसको आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है इंग्लिश सेंटेंसेस में, मतलब कि वन यहां पे आप लिखोगे कि स्टार्ट विथ फ्रंट एंड, उसके बाद सेकंड में लिखोगे आप स्टार्ट विथ क्रिएटिंग लॉगिन पेज, तो ऐसे करके आप स्टेप्स लिखोगे। इन स्टेप्स को हम लोग बोलते हैं एल्गोरिदम, ठीक है। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए बनाने के लिए। तो एल्गोरिदम होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि आप ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाओगे फ्लो चार्ट। अगर आपको कोई लैंग्वेजेस आती हैं तो आपको पता होगा कि इफ एल्स कंडीशन के लिए फ्लो चार्ट बनाते हैं, आपने इंजीनियरिंग टाइम में पढ़ा होगा। यहाँ पे भी हम लोग ऐसे इफ, अगर ये कंडीशन है तो यहाँ पे यस, या ये गलत हो गया वो कंडीशन तो नो, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऐसे करके हम लोग कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये सब डिजाइनिंग होता है, मतलब अपने प्रोजेक्ट को एक डिजाइन दे रहे हो कि अगर ये स्टेप हो गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के बाद तीसरा स्टेप क्या होगा, राइट। स्यूडो कोड होता है बेसिक कोडिंग, मतलब ये प्रॉपर कोडिंग नहीं होता, ये कोई एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखा हुआ नहीं होता,
ये बस एक नॉर्मल सा कोडिंग होता है, जैसे कि मुझे अगर दो नंबर्स को ऐड करना है तो मैं सीडो कोड कैसे लिखूंगा, बिगेन टेक ए कॉमा बी सम ए प्लस बी इक्वल टू सी प्रिंट सी एंड। ये हो गया आपका सीडो कोड। क्या ये कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज में यूज कर रहा हूं? नहीं, मैं यहाँ कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो नॉर्मल इंग्लिश लिखा है, राइट। तो ऐसा सीडो कोड लिखने से क्या फायदा है, आप जब कोडिंग करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपने पूरा एक डिटेल डिजाइन प्लानिंग सब करके रखा हुआ है। मतलब कि पूरा खाना आपके प्लेट में दिया हुआ है, आपको बस खाना है, राइट। तो इसके लिए हम लोग पहले से ये सब तैयारी करके रखते हैं, ओके। तो डिजाइन में हम लोग सारा तैयारी करके रखते हैं, मतलब लोग एल्गोरिदम फ्लोचार्ट सीडो कोड के साथ रेडी रहते हैं। सबसे ज्यादा टाइम किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने में डिजाइनिंग में ही लगता है, ट्रस्ट मी, कोडिंग करने में टाइम नहीं लगता। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हमारा कोडिंग, सॉरी नेक्स्ट कोड नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हमारा कोडिंग। अब कोडिंग में टाइम क्यों नहीं लगता है वो मैं आपको बताता हूं। जब मैं आपको प्लानिंग में ले जा रहा था तो हमने बीआरडी डॉक्यूमेंट क्लाइंट को देके, क्लाइंट ने यहाँ पे कितना दिन लगाया था, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूं, क्लाइंट ने लगाया था 15 डेज ऑफ टाइम। क्या करने के लिए, हमें वो सारा डॉक्यूमेंट भेजने के लिए कि क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट है, राइट, सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद डिजाइनिंग में आपको एट मोस्ट 2 to 3 months लगेगा, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, एल्गोरिदम बनाना है, फ्लोचार्ट बनाना है, सुडो कोड बनाना है। कोडिंग करने में आपको 1 to 2 months में कोडिंग हो जाए। कोडिंग मतलब क्या, कोडिंग मतलब इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे मैं एरोस दे देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। कोडिंग मतलब क्या हो गया, कोडिंग मतलब हो गया इम्प्लीमेंटेशन। तो अब हम लोग कोडिंग करने के लिए रेडी हैं। क्यों हमें कम टाइम लग रहा है इम्प्लीमेंटेशन करने में, क्योंकि मेरे पास पहले से ही मेरा खाना बना हुआ है, मुझे तो बस खाना है, राइट। तो एल्गोरिदम फ्लोचार्ट और सीडो कोड पहले से बना हुआ है, मेरे पास सब कुछ रेडी है, तो अभी मुझे बस कोडिंग करना है एक स्पेसिफिक लैंग्वेज लेके। कैसे पता चलेगा ये कौन सा लैंग्वेज लेना है, वो आपके बीआरडी डॉक्यूमेंट में लिखा होगा। बीआरडी में ये लिखा होगा कि आपको जावा यूज करके बनाना है या पाइथन यूज करके बनाना है या पीएचपी, करेक्ट। कोडिंग करने के बाद जब आपका, अब ये कोडिंग कौन करता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा। तो कोडिंग कौन करता है, कोडिंग करता है डेवलपर, ऑब्वियसली पूरा कोडिंग कौन करेगा, डेवलपर करेगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पे जो कि है टेस्टिंग। गाइस प्लीज, अगर आपको लाइव सेशन बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है तो आप प्लीज लाइव सेशन को लाइक कीजिए ताकि बहुत ज्यादा लोगों को ये रीच हो सके। ओके, टेस्टिंग में क्या होता है आप समझते हैं, टेस्टिंग क्या है। टेस्टिंग है, आपने डेवलपर ने जो भी डेवलप किया है, जो भी कोड बनाया है, जो भी प्रोजेक्ट बनाया है, उसको टेस्ट करना। मतलब कि उसको ये देखना कि आखिर वो काम कर रहा है या नहीं। अब इसमें कुछ वर्ड्स है जो आपको बताना चाहता हूं। बग्स, ये ऐसा वर्ड है जो आपको डेवलपमेंट फील्ड में समझना ही पड़ेगा और आप इससे इरिटेट होंगे ही होंगे, ठीक है, आई एम बीइंग फ्रैंक। लेकिन बग्स अगर डेवलपमेंट करने में नहीं आया तो मतलब आपका डेवलपमेंट जो है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। एक ऐसा बोला जाता है कि आप सॉफ्टवेयर अगर डेवलप कर रहे हो, जितना ज्यादा बग्स आएगा उतना ज्यादा अच्छा आपका सॉफ्टवेयर होगा। आप देख सकते हो कि कितने सारे एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं, राइट, डेली लाइफ में, और हर एक मंथ कुछ ना कुछ अपडेट आता है कंपनी की तरफ से कि आप इसको अपडेट कर लो। मोबाइल में भी आप देख सकते हो, मोबाइल में हमेशा हर मंथ या हर वीक कुछ ना कुछ अपडेट्स आती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ बग्स मिलती हैं और उन बग्स को ठीक करके वो हमें अपडेट भेजती हैं कि सर आप अब अपना डिवाइस या फिर जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो हमारा, आप अपडेट कर लो क्योंकि हमने कुछ बग्स को फिक्स किया है। तो टेस्टिंग हमेशा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, छोटा सा छोटा या बड़ा से बड़ा, आपको टेस्टिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए टेस्टिंग के लिए डेवलपर टेस्ट नहीं करते हैं, टेस्टर्स हायर होते हैं। टेस्टर्स हमारे कुछ ऐसे इंप्लॉयज हैं जो सिर्फ टेस्टिंग पे ध्यान देते हैं, वो सिर्फ आपके प्रोजेक्ट को रन करते हैं, कुछ टूल्स और टेक्नोलॉजीज का यूज करके आपका पूरा प्रोजेक्ट को चेक करते हैं कि उसमें कहीं से लीकेज या कुछ एरर कुछ तो नहीं है। अगर कुछ है तो टेस्टर क्या करेगा, टेस्टर उसको वापस से डेवलपर के पास भेजेगा
डेवलपर को बोलेगा कि डेवलपर आप ये कोड फिर से ठीक करिए क्योंकि इसमें कुछ बग्स आ रही है, ठीक है। और ये प्रोसेस कम से कम 1000 times होता है क्योंकि ये होना है, राइट, कुछ ना कुछ बग्स आएगा ही आएगा, तो ये वापस इधर से उधर करते रहता है जब तक कि आपको एक फाइनल नहीं मिल जाता, फाइनल जो प्रोजेक्ट है वो। अब ये टेस्टिंग होने के बाद हम लोग अपने प्रोजेक्ट को दे देते हैं क्लाइंट को, ठीक है, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट बन गया तो हम लोग क्लाइंट को दे दिए। अब क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट चेक करेगा, थोड़े दिन उसको पब्लिक करेगा, देखेगा कि उसमें कुछ एरर्स आ रहे हैं या नहीं, और हमें हमारा अमाउंट दे देगा जिससे रिवेन्यू हमारे कंपनी को जनरेट होगा। बहुत ही सिंपल सा ये एक था पूरा का पूरा सीक्वेंस, राइट। अब लास्ट में एक है जो हमारे पास लेफ्ट है, जो कि है मेंटेनेंस। सॉरी, मैंने इसको ब्लैक में लिख दिया है, एक मिनट मैं इसको चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझने में भी दिक्कत ना हो। तो हमारा लास्ट में अब है मेंटेनेंस, जो कि हमारा ड्यूटी है क्योंकि हमने इस प्रोजेक्ट को बनाया है और हमारे कंपनी ने क्लाइंट को सर्विस दिया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम ही इसका मेंटेनेंस करें और हम ही कोई भी बग्स या एरर्स आए फ्यूचर में तो उसको हम लोग ठीक करें, करेक्ट। तो ये जो है मेंटेनेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेंटेनेंस के बाद फिर से प्लानिंग रिक्वायरमेंट मैंने क्यों किया, क्योंकि हो सकता है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हमें फिर से बनाना पड़े अगर उसमें एडवांस हम लोग कुछ चेंजेस कर रहे हैं। आप नोटिस करो, फेसबुक हमारे जमाने में लाइक 2005, 2008, 2007 में अगर आप चलाते होंगे तो बहुत ही अलग था वो, राइट। और उस समय तो ऑर्कुट का जमाना था, उस समय तो फेसबुक था भी नहीं। जब फेसबुक का जमाना आया तो आप देख सकते हो कि फेसबुक कितना ही मतलब बहुत ही अजीब दिखता था, राइट। लेकिन अगर आप अभी देखोगे फेसबुक को तो उसका पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया, राइट। उसके अंदर न्यू फीचर्स आ गए हैं, बहुत ज्यादा कुछ न्यू इम्प्लीमेंटेशन है। क्यों? क्योंकि फेसबुक ने ये साइकिल जो है इसको चलते रहने दिया, मतलब कि इतने सालों से फेसबुक इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को चलाते आया है, इसीलिए उसका जो प्रोडक्ट है वो अभी तक सक्सेसफुल है। उन लोगों ने हमेशा इस SDLC को फॉलो किया और अपना प्रोजेक्ट हर बार अपडेट करते रहा। तो ये जो है, ये जो आपको स्क्रीन में जितनी चीजें दिख रही हैं, यही होता है आपका SDLC, और इसका नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको बहुत इंटरेस्ट लगा होगा इसको समझने में और बहुत ही ज्यादा ईजी हुआ होगा समझने में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक मॉडल्स, ठीक है। देखते हैं कि मॉडल्स में क्या है और ये मॉडल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके पहले कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। ग्रेट वर्क सर, थैंक यू विशाल। ओके सर, वॉइस नॉट क्लियर। ओके, आई विल चेक दिस। कैन यू नेम एनी वन और टू टूल्स? अपुन भगवान, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कोई टूल्स, बट मैंने टेस्टिंग लाइव सेशन पे मैंने टूल्स के नाम लिए थे, तो आप उसको चेकआउट करो। कुछ M से स्टार्ट होता है बट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है क्योंकि मैं टेस्टिंग में कभी काम नहीं किया हूँ। क्या हम लोग वाटरफॉल या एजाइल भी कवर करेंगे? तेजस भोसाले, यस, हम लोग वाटरफॉल या एजाइल भी कवर करेंगे मॉडल्स टॉपिक पे, तो यहीं पे मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके फाइन, सो मॉडल्स पे देखते हैं क्या क्या मॉडल्स है। सबसे पहला मॉडल्स है वाटरफॉल मॉडल, तो हम लोग वाटरफॉल मॉडल में सीखने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि मॉडल्स क्यों जरूरी है। अब देखिए, SDLC जो है वो एक नॉर्मल सा साइकिल है जो चलते रहता है, राइट। लेकिन जब आप टेस्टिंग फेज में आते हो, राइट, तो टेस्टिंग करना इतना ईजी नहीं है जितना मैंने बताया कि आप बस टेस्टिंग कर दो वहां पे, राइट। आपने बस वहां पे प्रोजेक्ट ओपन किया, टेस्ट किया, सब कुछ काम कर रहा है नहीं, एंड देन डन, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसमें बहुत सारी प्रोसीजर्स होती हैं, इसीलिए हम ये मॉडल्स को फॉलो करते हैं। अब ये मॉडल्स क्या है, आप ये देखो, तो कुछ 5 तरीके की मॉडल्स होती हैं। वॉटरफॉल मॉडल, वी मॉडल, स्पाइरल मॉडल, एजाइल मेथडोलॉजी, ठीक है, और प्रोटोटाइप मॉडल। ये कुछ 5 बहुत ही ज्यादा फेमस आपके मॉडल्स हैं। एक वाटरफॉल भी हो गया। वाटरफॉल इसमें से बहुत पुराना और बहुत ही इफेक्टिव एक मॉडल है जो बहुत जमाने से यूज होते आ रहा है। क्या होता है इस मॉडल में, देखते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जो मैंने सबसे पहले बताया आपको कि रिक्वायरमेंट का एनालिसिस करना है आपको, कि आपको क्या क्या चीजों का नीड है।
उसके बाद सिस्टम डिजाइन, मतलब कि आप सिस्टम को तैयार करते हैं उस प्रोजेक्ट के लिए, मतलब कि अपना जो विंडो सिस्टम है वो प्रोजेक्ट हैंडल कर पाएगा या नहीं, मतलब कि उसके अंदर सारी फीचर्स हैं या नहीं, वो ओएस, वो ऑपरेटिंग सिस्टम या उस वर्जन का, या फिर उतना रैम, उतना स्पेस, मेमोरी, वो सारी चीजें हैं कि नहीं। डिजाइनिंग करने के बाद हम लोग करते हैं इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि हम अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग उस सिस्टम का टेस्टिंग करते हैं, मतलब जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है उसको हम लोग टेस्ट करते हैं, फिर डिप्लॉय करते हैं, फिर मेंटेनेंस करते हैं। इसमें चेंजेस क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने कहीं भी डिप्लॉय नहीं लिखा था, एक्चुअली मेंटेनेंस ही हमारा यहाँ पे डिप्लॉयमेंट भी है, मतलब कि डिप्लॉयमेंट के साथ साथ हम लोग मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पे आप नोटिस करो कि टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस यहाँ पे अलग अलग है, तो ये डिफरेंस है वाटरफॉल मॉडल में, राइट। आपका यहाँ पे सारी चीजें बहुत ही डिस्टिंग्विश है, सब कुछ अलग अलग है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद सिस्टम डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, सिस्टम टेस्टिंग, सिस्टम डेवलपमेंट, सिस्टम मेंटेनेंस। आप किसी एक से तीसरे में जंप नहीं कर सकते, मतलब कि आप डायरेक्ट से इम्प्लीमेंटेशन पे जंप नहीं कर सकते। आप अगर कोई मॉडल फॉलो कर रहे हो तो आपको उसका हर एक स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप नहीं फॉलो करोगे और अगर क्लाइंट को पता चला तो प्रॉब्लम आ सकती है आपकी कंपनी को, राइट। तो ये होता है वाटरफॉल मॉडल, ये एक बहुत ही इफेक्टिव मॉडल है। बहुत सारी एमएनसी कंपनी वाटरफॉल मॉडल ही यूज करती है अभी भी, लेकिन अभी जो बेस्ट मॉडल है वो है एजाइल मेथोडोलॉजी, क्योंकि डेवॉप्स आने के बाद एजाइल मेथोडोलॉजी बहुत ज्यादा यूज होने लग गया है। तो 2021 एरा में अगर आप बात करो तो एसडीएलसी में एजाइल मॉडल का बहुत ज्यादा यूज है। आते हैं नेक्स्ट मॉडल पर, जो कि हमारा स्पाइरल मॉडल। यहाँ पे क्या होता है, आप देखो एक डायग्राम है जिसमें आपको ये समझाने वाला हूँ कि आखिरकार इस मॉडल में कैसे काम होता है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी वाटरफॉल मॉडल जैसा डिजाइन नहीं है, ये कुछ अलग ही डिजाइन है, राइट। मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले जो आप ये सर्कल देख रहे हो जहां से ये स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट वो सर्कल पूरा कंप्लीट करेगा एंड तक, ये उसको बोलते हैं हम लोग वन राउंड। वन, ये पहला राउंड जो ये जो रेड कलर में है, इस राउंड को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, मतलब कि आपके पास जो प्रोजेक्ट आया है उस प्रोजेक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या हो रहा है, वो हम लोग यहाँ पे डेवलप करना चालू करते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के अंदर भी डिटेल में कुछ फेजेस हैं। क्या फेजेस हैं? कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट, मतलब कि कॉन्सेप्ट बनाते बनाते में आपने ये सब कुछ कर दिया। उसके बाद दूसरा साइकिल है, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड राउंड। इस सेकेंड राउंड साइकिल में जो ग्रीन कलर का नोटिस है उसको कीजिए सिस्टम डेवलपमेंट। सिस्टम डेवलपमेंट मतलब हम लोग अब प्रोजेक्ट पे काम करना चालू करेंगे। अब हम लोग प्रोजेक्ट के बारे में कम्युनिकेट करेंगे, प्रोजेक्ट के बारे में हम प्लानिंग करेंगे, प्रोजेक्ट के बारे में मॉडलिंग करेंगे, प्रोजेक्ट के बारे में कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट को डिप्लॉय। फिर तीसरा आता है जो हमारा ब्लू लाइन, उसको हम लोग सिस्टम इनहेंसमेंट, मतलब कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है अब उसको इनहेंस कैसे करें, मतलब एडवांस कैसे बनाएं, उसको और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैसे करें, तो फिर से ये पूरा राउंड होगा। और लास्ट राउंड जो ये येलो कलर है वो उसमें होता है हमारा मेंटेनेंस। तो आप देख सकते हो चीजें वही सेम है, प्लानिंग, रिक्वायरमेंट, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, डिप्लॉयमेंट, यही सब चीजें यहाँ पे भी हो रही है लेकिन कुछ अलग वे में। तो इसीलिए डिफरेंट मॉडल्स प्रोवाइड किया गया है, जिस भी मॉडल का फॉलो करोगे आपको अलग अलग रिजल्ट मिलेगा। जितना ज्यादा अच्छा मॉडल उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, राइट। गाइस प्लीज, अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है ये सेशन तो प्लीज लाइक कीजिए इस पर्टिकुलर सेशन को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नेक्स्ट, अब ये जो हो गया ये हमारा स्पाइरल मॉडल। नेक्स्ट है हमारा जो कि है वी मॉडल। अब वी मॉडल में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो जो ये डायग्राम है ये कुछ वी शेप का लग रहा है, राइट। ये वी शेप का क्यों है और यहाँ पे क्या होता है, लेट्स सी। अभी तक हमने वॉटरफॉल मॉडल और स्पाइरल मॉडल देखा। वॉटरफॉल में वॉटरफॉल का नाम वॉटरफॉल क्यों दिया गया, क्योंकि वो ऊपर से नीचे जाता है। स्पाइरल में हमने स्पाइरल मॉडल क्यों दिया, क्योंकि हमें वो स्पाइरली मूव होता है वो मॉडल। यहाँ पे वी मॉडल में वी का नाम वी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वी फेस में
टेस्टिंग चलता है। क्या होता है यहाँ पे, आप देखो, आप जैसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस पूरा करोगे अपने प्रोजेक्ट का, मतलब कि आप बीआरडी डॉक्यूमेंट बनाओगे और क्लाइंट को दोगे, उसी टाइम पे आपको सिस्टम टेस्टिंग कर देना है। मतलब कि आप अपना डेवलपमेंट कंप्लीट भी नहीं किए हो और आपको टेस्टिंग करना है, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या टेस्टिंग होगा, आपका प्रोजेक्ट का टेस्टिंग होगा, आपके सिस्टम का टेस्टिंग होगा। आप ये देखोगे कि सब कुछ परफेक्ट है या नहीं अभी तक में, मतलब कि अभी तक मतलब ये बीआरडी तक में। उसके बाद हाई लेवल डिजाइन, मतलब कि डिजाइनिंग प्लानिंग। अब जब आप डिजाइनिंग या प्लानिंग करोगे तो आपको क्या चीजें करनी है, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट और सीडो कोड। अब इन तीनों चीजों को भी आपको टेस्टिंग कर देना है, मतलब आपको इंटीग्रेशन टेस्टिंग उसी टाइम पे कर देना है। आपको ये पता चल जाएगा कि आपके डिजाइनिंग में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद डिटेल डिजाइनिंग, मतलब जो आपने कोडिंग किया है, जो आपने मॉड्यूल्स या सब मॉड्यूल्स बनाए हैं, जो आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं, उसमें हम लोग करते हैं यूनिट टेस्टिंग, ठीक है। यूनिट टेस्टिंग में हम लोग बेसिकली अपने सब मॉड्यूल्स को टेस्ट करते हैं। व्हाट इज सब मॉड्यूल्स, समझाता हूं मैं। जो भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो ना, उसके अंदर कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, कुछ हिस्से होते हैं जो ऐसे बटे होते हैं, राइट। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपका घर भी डिफरेंट डिफरेंट हिस्से में बसा हुआ है, राइट। मतलब कि किचन एक सेक्शन है, आपका वॉशरूम एक सेक्शन है, हॉल रूम एक सेक्शन है, राइट। तो ऐसे करके आपका घर बटा हुआ है, उससे क्या होता है, बहुत आसानी होता है स्पेस बनाने में, और आपको भी बहुत आसानी होता है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, राइट। तो हमारे प्रोजेक्ट में भी हम लोग जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, उसमें ऐसे सेक्शंस बने होते हैं, 1, 2, 3, 4। ये सेक्शंस क्या होती हैं, इन सेक्शंस को हम लोग बोलते हैं सब मॉड्यूल्स। तो आपको क्या एडवांटेज हुआ इसका बनाने का, ये हुआ कि आप पहले फर्स्ट नंबर ऑफ सब मॉड्यूल को टेस्ट कीजिए, फिर सेकेंड वाले मॉड्यूल को टेस्ट कीजिए, फिर थर्ड वाले सब मॉड्यूल को टेस्ट कीजिए। तो आपको एक साथ पूरा प्रोजेक्ट को टेस्ट करने नहीं बोला जा रहा है, आपको ये बोला जा रहा है कि आप छोटे छोटे पीसेस लीजिए और उनको टेस्ट कीजिए। इसमें सबसे ज्यादा आसानी है, क्योंकि जब आप अगर पूरा प्रोजेक्ट को टेस्ट करने बैठोगे, आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप छोटे छोटे पीसेस लोगे उस सॉफ्टवेयर के और उनको टेस्ट करोगे, तो आपको बहुत ज्यादा ईजी होगा आपका टेस्टिंग कंप्लीट करने में, बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा, करेक्ट। तो ये होती है हमारी यूनिट टेस्टिंग, मतलब हम लोग एक एक यूनिट को टेस्ट करते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा है डिटेल डिजाइन, ठीक है, डिटेल में हम लोग टेस्टिंग करते हैं। फिर आता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में जो भी आपने ये पूरा चीज किया है, ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं और एक बंडल बना देते हैं एक पूरे प्रोजेक्ट का, जो ये है, ये पूरा, राइट, ये पूरा हमारा हो गया बंडल और ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट रेडी, ठीक है। टेस्टिंग के साथ आपको इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद टेस्टिंग नहीं करना पड़ रहा, साथ ही साथ में आपका पूरा टेस्टिंग भी हो गया, करेक्ट। तो हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा, हमने सबसे पहले सीखा एसडीएलसी प्रोसेस, फिर हमने मॉडल पे ध्यान दिया, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स पे। लेकिन अभी हम लोग के पास और दो मॉडल है, जो कि है प्रोटोटाइप मॉडल और एजाइल मॉडल, राइट। अब ये जो दो मॉडल है, ये बहुत ही डिस्क्रिप्टिव मॉडल्स हैं, और आज के जमाने में यही दो मॉडल्स बहुत ज्यादा फेमस हैं, ठीक है। यही दो मॉडल्स बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं कोई भी आईटी सॉफ्टवेयर कंपनीज में। तो आप लोग इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, या फिर मैं अगर कोई अदर वीडियोस में आऊंगा तो उस लाइव सेशन में मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो अब चलते हैं, हम लोग समराइज करते हैं कि हम लोगों ने इस पर्टिकुलर लाइव सेशन में क्या क्या किया। आई होप कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा ये लाइव सेशन, और चलिए समराइज करते हैं क्या क्या सीखा हमने। हमने सीखा व्हाट इज एसडीएलसी, मतलब एसडीएलसी होता क्या है। किसी भी बिगनर या फ्रेशर को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में अगर आप जाओगे, आप डेवलपर पोजीशन पे जाओगे, तो आपको एसडीएलसी के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कंपनी में गए, किसी मैनेजर ने आपको बोला कि एसडीएलसी पता है आपको, तो आप प्रोजेक्ट चालू कर दो और आप शॉक्ड हो कि एसडीएलसी क्या होता है, राइट, आपको पता ही नहीं। इसीलिए ये लाइव सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था आप बिगनर्स और फ्रेशर्स को ये बताने के लिए कि डेवलपर फील्ड में जाने के बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद हमने ये देखा कि क्यों रिक्वायर्ड है एसडीएलसी, क्या ऐसा बात है एसडीएलसी में जो हमें इजी वे में डेवलप करना सिखाता है किसी सॉफ्टवेयर को, और वो कौन से पॉइंटर्स जो हमने देखे, व्हाई इज इट रिक्वायर्ड एसडीएलसी, राइट।
उसके बाद हमने देखा एसडीएलसी प्रोसेस, एक पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाया, पूरे वो 5 से 6 जो स्टेप्स थे उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, बीआरडी, एसआरएस या जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जो भी टेस्टिंग होती है, मेंटेनेंस होता है, डिप्लॉयमेंट होता है, वो सारी चीजें मैंने बहुत अच्छा और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स लेके आपको समझाया। आई होप कि आपको पसंद आया होगा वो पूरा प्रोसेस और डिटेल एनालिसिस। उसके बाद हमने मॉडल्स पे ध्यान दिया, हमने 3 मॉडल्स डिस्कशन किए, जो 3 मॉडल्स थे हमारे, वाटरफॉल मॉडल, फिर था हमारा स्पायरल मॉडल और हमारा था वी मॉडल। 2 और मॉडल्स हैं, प्रोटोटाइप और एजाइल मॉडल, आप उसके बारे में रिसर्च करो, समझो कि वो क्या है। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन, आई होप कि आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया होगा, मजा आया होगा इस सेशन देख के। प्लीज अपने और दोस्तों को भी बोलिए इस लाइव सेशन को देखने के लिए, ये लाइव सेशन वीडियोस पे रहेगा, तो यूट्यूब वीडियोस पे आपको बस जाना है, आपको ये लाइव सेशन मिल जाएगा। तो अपने दोस्त को बोलिए कि अगर वो लाइव सेशन ज्वाइन नहीं कर पाए हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वीडियोस बाद में वॉच कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग, आई विल मीट यू वेरी सून, बाय बाय।